अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन के बाद हम दोनों माँ बेटे का बन रहा है लिफ्ट के अंदर, वो भी जिम जाते हुए। और आज भी हम बहुत थकाए हुए हैं, देख रहे ना हमारी आंखों पे सूजन, अयन का मुंह सूजा सूजा, मगर जिम तो जाना ही पड़ेगा। और बज रहे सात, है ना, रात को पार्टी में जाके आए, जैसे बर्थडे पार्टी की। आ जाओ भाई, आगे बर्थडे पार्टी थी, है ना, तो हम क्या करेंगे, जाना तो है भाई। वर्कआउट अपना रोज़ की जो रूटीन में करना ही करना है ना, तो जा रही जिम। और मैं तो सैटरडे से जिम नहीं गई हूँ शायद। हाँ, मेरा तो बहुत खाड़े होते यार जिम के, क्या करेंगे, कुछ कुछ काम में इतनी बिजी चलते रहती हूँ। तो अभी और आ रही है आयान, अभी जिम करके अपडेट के आप लोग देख लेना आज की, है ना, तो आप लोगों को दिन भर की अपडेट क्या मिलेगी। बैग तो ले लेना बेटा। तो मैं अभी जा रही हूँ पवई, जैसे कि चांचली दरगाह। तो मेरी एक दोस्त थी, उनका इंतकाल हो गया मजीदापा का, तो मुझे पता चला है। तो अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि उनका बोले 4-4:30 बजे उनको लेके जाएंगे। मुझे बहुत लेट पता चला, तो मैं फटाफट अभी नहाई और खाना वाना कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो मैं भी पहले मैं चले जाती हूँ करके। और मेरी बहुत मतलब पुरानी दोस्त थे वो, और क्या पता अचानक कैसे ही तबीयत ख़राब हुई क्या हुआ करके। तो बोलते ना, वक्त का इंसान का भरोसा नहीं है किसी का भी, सलाह उनकी बोलते नहीं, नफलियत को उनकी जन्नत का आला से आला मकाम दे। और आप लोग भी ज़रूर दुआ करना उनके लिए करके। सद्दाम भाई रुके थे, मगर टाइम हो रहा था ना जाने के लिए आयान के लिए। तो मैं भी तुम चले जाओ, मैं रिक्शा ले लेती हूँ, तो तभी रिक्शा जल्दी से मिल जाए। तो रिक्शा, तो फाइनली रिक्शा मिल गई मुझे, अब रिक्शे में बैठती हूँ। बस अभी जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, हम लोग भी मैं जा रही हूँ। और मुझे ना बहुत लेट पता चला करके, क्योंकि यार रहते हैं ना तो किसका फ़ोन, अभी समीर को फ़ोन आया था घर से, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त बेचारे करके। अब क्या, मैं चांचली में थी ना तो आती जाती तो उनसे मेरा मिलना भी होता, काफ़ी टाइम मेरे ब्लॉक में भी आए, हम लोग बातचीत करते हुए करके। इंसान का कोई भरोसा नहीं रह गया है कभी, क्या हो रहा है। तो आप लोग सब उनके लिए दुआ करना, अल्लाह बोलते नहीं उनको जन्नत का आला से आला मकाम मिले, उनके गुनाहों को माफ़ करे परवरदिगार, और उनके बच्चों को सब्र दे परवरदिगार। अभी अपनी उनकी बेटी की शादी भी हुई थी, एक बड़ी बेटी की, तो माशाल्लाह सारे बच्चों की शादी हो गई थी, मेरा भी एक बेटी थी उसने शादी हुई थी। तो चलो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद में पवई के घर पे भी मुझे जाना है, तो मैं आप लोग से मिलती हूँ। चलो, तो मैं जाके आई और उनको असर में मतलब मिला दिए लेके जाके, और इतना बुरा लगा कि पूछो मत। और उनकी बेटी का नाम भी समरीन ही है, तो इतना रोने लगी मेरे को देख के, मतलब मेरी एकदम दोस्त थे, मेरे को याद भी करते थे मुझे बहुत, और मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिल नहीं सकी। तो ये 4 महीने में उनकी इतनी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, और इतना झटपट हो गया कि पूछो मत करके, बहुत रोड की तो बहुत देख के ख़राब लगा कि अब परीगी। जिससे नाम भी उसका समरीन था, अल्लाह लोग सबर थे मेरे परवरदिगार। लोग बोली आंटी अब पीजी में भी आना, आते रहना, आपकी अम्मी भी है, ख़राब लगा लेकिन। और वो बच्ची भी उसमें बहुत जानती छोटी वाली लड़की थी, जो अभी भी शादी हुई थी, अल्लाह ये तो कहने ऐसे मौके ऐसे बोलते नहीं क्या, टाइम मत दे किसी के ऊपर, भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या कहने ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं है। चलो थैंक यू आपको। तो आई थी मैं पवई के घर पे, अब मैं जा रही हूँ मेरे दूसरे
आज मेरी तबीयत जरी अच्छी नहीं लग रही है, मेरे सर में भी इतना दुख रहा था, तो अभी सदर ने थोड़ा तेल भी डाली और दिली ने चल रहा, खाना भी नहीं खाई मैंने अभी तक, खाना नूरी ने तो भेज के भी दिए, खाना वैसी थैली में रखा है मेरा, तो क्या पता अजीब सा हो रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा पार्सल था तो वो भी ले ली, डालना है पार्सल, और मेरे कपड़े सब सिल के आ गए टेलर के वहाँ से, कपड़े भी छोड़ के चले गई थी पैकिंग करना है, तो वो कपड़े भी लेने आई थी। और ये देखो ये छोटी कैसे हमारी बैठी है, ज़रा इसको देखो, तो इसका देखो अभी एक गेम खलास हुआ ना, ये पूरा खिलौना निकाली थी, फिर हूर का दूसरा फ्रूट वाला खिलौना, अभी इसका गेम, ये हमारे घर को ना, इधर देखे फिलिपिन, जल्दी देखे इंडोनेशिया, जल्दी देख आनी, अरे क्या बोल रहे दादा, देख क्या बोल रहे, ए ले ले ले, ये देखो ये गेम्स हो मैं क्या, तू इधर आती है हाँ, चलो चलो अब तुम्हारे घर पे जाओ, चलो तो ये पार्सल डाल के रखी हूँ थैली में, अब मैं जा रही हूँ। और देखो खाना वाना सब ऐसे रखा है, खाना भी नहीं खाई हूँ, तो थैली में खाना ऐसे रखा हुआ है, और इस सब को तो खाना लेके चले जा, और ये कपड़े हैं मेरे, आज तक सुना रबी लाल अभी अलग अजीब सी ताबा नहीं आ रही एकदम से, चलो मैं जा रही हूँ दादी, जा रही बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये अभी इसको जरा ना उधर नर्सरी में डालो स्कूल के अंदर, है ना बाबू, बात वात तो सब करती है, हाँ स्कूल जाएगा, बोलती है स्कूल जाना है स्कूल, इधर देखो चलो ना दादी जा रही है, चल बाय, हाँ चल सदब टाटा। तो ये देखो मम्मी सोए हैं, मम्मी अभी दोपहर में दरगाह पे गए थे, चांचली दरगाह, तो उधर मम्मी की सहेली का इंतकाल हो गया, तो मम्मी इतना टेंशन ले लिया, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, एक तो सोए कब से बेचारे, खाना खाने बोल रहे तो खाना भी नहीं खा रहे ले, तो कब से बोल रहे हम लोग खाना खा लो, तो खाना सुन रहे भी नहीं बेचारे, इतना उनको बुखार आई है, बुखार मम्मी को थोड़ा सा, तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब लग रही है। तो अभी मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, आप लोग को मैं कल मिलूँगा, कल मम्मी आप कल अगर अच्छी रही तबीयत तो मम्मी ब्लॉग बनाएंगे कल, तो चलो अल्लाह हाफिज़, लाइक द नेक्स्ट डे, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी पूरे घर की साफ सफाई चालू, इधर सैदा कला सब फ्रिज व्रिज पहुँच रहे हैं, हम लोग अभी बगदाद शरीफ जाएंगे, तो ग्यारहवीं शरीफ के लिए पूरा घर साफ सफाई हो रहा है, तो अभी मम्मी नमाज पढ़ रहे हैं अंदर, आज जुमेरात जुम्मा है, आज जुम्मा है, मम्मी को बोला था कल बनाने तो मम्मी कल बना ही नहीं थे, तो इधर मम्मी जुम्मा की नमाज पढ़ रहे, अभी पूरा घर साफ सफाई हो रहा है, आंटी खाना वाना हो गया सब, हाँ तुम लोग का हुआ, हाँ तो अभी पूरा साफ सफाई घर की पूरी चालू है ना सैदा कला, कैसी चल रही साफ सफाई, फर्स्ट क्लास, तो अभी मम्मी नमाज पढ़ रहे, तो आपको हम बाद में, साफ सफाई करने का लाइक का घर है तो साफ सफाई हो रही है, क्योंकि सब चीज अपना बरोबर जगहों पे सिस्टम है इस जगह का, ये घर का कि ये चीज इधर रखना तो रखना है, ऐसा फैलावा घर नहीं जो उसकी डस्टिंग नहीं होगी, ऐसा बोल, तो अभी मिलते हैं बाद में, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग आए हैं सनीचर बाजार, अच्छा तो लेकिन आज जुम्मा है और हम लोग आए हैं सूखी मछली लेने के लिए, बताया आते आते अभी हम लोगों ने बॉम्बे ले लिए हैं और मैं भी डोला लेने वाली हूँ, और ये इतना मौसी ऐसा क्यों दिख रहा है, ये बड़ा वाला नहीं गुट्टा भी है, अच्छा वाला ये झींगा खाने में टेस्ट, खाने में टेस्ट, हाँ चटनी बनाने का अच्छा रहता, खा के देख रहे हैं, चुप रहे हैं यार थोड़ा गिंदा है, आया ना हुआ यार, हाँ तू इरादे सारी चर्चा नहीं आए,
अच्छा क्या भाव करते हैं? बराबर है मौसी, कल ले रही हूँ तेरे से ही ले रही हूँ। 400 अभी 300 सही है, ये दो वाटर है। तो हम लोग ये मौसी से हमेशा लेते हैं और आज की मौसी से ही ना डाल सकती थोड़ा मौसी। आज जौला की मौसी से ही है। सब खरीदारी कर लिए है और मौसी ये वाटर कैसा देगी? ज्यादा बोल रही मौसी, ज्यादा तेरे देखो मौसी ने बड़ा बड़ा झींगा दी 200 का, 200 का और मेरे को थोड़ा भी ऊपर डाल के भी देगी 200 का। मौसी बोलो बोलो, निर्मला मौसी दिया 200 का। निर्मला मौसी को लाइक करो, कमेंट करो, लेके कोई आएगा ना तो डिस्काउंट देना, मैं इनकी जिंदगी मेरे पास, इसको बोल निर्मला मौसी के पास जाओ। नहीं ये मरियम का ही चैनल है, मरियम की जिंदगी से कोई आएगा ना तो उसको डिस्काउंट देना हमारा नाम लेके। ये मौसी के पास भी बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम मौसी के पास से लेंगे तो मौसी हमारे को डिस्काउंट देगी। मौसी लाइक करो, शेयर करो मौसी को। तो आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक और इसके साथ में और क्या बोलूं और नूरी और आयन गए थे सुक्का बोमिल और क्या बोलते करली झींगा करली बोलते ना, हाँ करली और वो सब लाने, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है तो थोड़ा खेसा भी बना के लेंगे, अच्छा लगता है जैसा वहाँ के खाने से एकदम ऐसा बोर हो जाते ना, घर का खाना घर का ही होता तो थोड़ा ये भी होना चाहिए। तो अभी आज मैंने आयान को नूरी को भेजी थी, तो देखो दोनों ने लेके आए ले, अभी दिखाती हूँ। मेरे को जाने का था मगर बाबा इतनी धूप में मैं नहीं जाती हूँ, तो नूरी लेके आती कभी कभी जाके। तो नूरी को शनिचार बाजार में था, जुम्मा के दिन मच्छी का बाजार लगेगा, कल भी लगेगा होलसेल मार्केट। तो मैं और हमारे घर से तो 5 या 7 मिनट की दूरी पे हूँ। तो नूरी ने ये बोमबिल लाई है ना, मस्त देख सकते आप लोग। और ये करडी झींगा लेके आई है, बारीक जौला, मैंने इनके थोड़ा थोड़ा लिया, फिर भी बहुत ज़्यादा ही हो गया हम लोग के लिए, तो काफ़ी दिन तक जाता है करके। तो ये देखिए वो मौसी बराबर पहचानी हम लोग को, पहचानी हाँ। क्या बोल, बोले बहुत दिन के बाद आई तू, मैं बोली हाँ, बोले वो तेरी बेटी नहीं आई, बोली वो काम पे गई है, बोले देख मैंने उसको आशीर्वाद दी थी तो दुआ दी थी, वो काम पे लग गई, बोले अभी इसको दुआ दो तो अच्छी पढ़ाई में पास होएगा। बोली नहीं मेरा बेटा आया है, हाँ बोली तो मम्मा बहुत बड़ी दुबई जाने और बहुत बड़ी जगह पे जाने वाली है और ये बहुत बड़ी जगह पे आ रहा है, बोले तुम्हारे भगवान से हम लोग के लिए भी वो करना, बोले दुआ करना है, बोले यहाँ सब सनीचर बाजार हमेशा वो मार्केट हमारी बसी रही, कभी काफ़ी कहा जाए रही, बहुत पुरानी मार्केट है ना यार, बहुत पुरानी मार्केट है। और अच्छा लंदन ना उन लोग को आई थी बानो आपा लोग के लिए, हाँ पहले बानो आपा लोग के लिए भी लेके आई थी, हाँ फिर उसके घर के लिए भी लेके आई। तो तब भी ला ले मुझे भी चाय चढ़ा दे। तो फिर इतने में देखो तो बोमबिल भी आ गई, अभी भाई की आज फरमाइश है जरा शिरकुमा बनाने की, देखो इंशाल्लाह बन गया तो अच्छा है शिरकुमा। और कल तो बना नहीं था, कल जुमेरात था, मीठा कुछ भी बनता है तो आपको पता है, जैसे कि मैं चले गई थी उधर जो उसका इंतकाल हुआ था तो मेरा मन ही नहीं था कल, तो कल चिराग शरीफ भी रोशन नहीं हुआ था करके, हाँ लोग बाद अगरबत्ती किए थे तो फिर। और माशाल्लाह और मैं ये बोल रही थी देखो जब से मैं जिम जाने लगी ना, तो पहले मैं बैठ नमाज ना इस पर पढ़ती थी, क्या बोलते कुर्सी के ऊपर या तो मेरी वो चेयर है उस पर, मगर जब से मैं जिम जा रही हूँ तो माशाल्लाह अभी मैं बैठ के खड़े रह के नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मेरे पैर इतने फ्री हो गए जिम जाने से, मतलब इतना फ़ायदा है ना करके, पैर अभी माशाल्लाह सीढ़ी भी चढ़ सकती थी अच्छे से, नहीं तो पैर में थोड़ा मेरे तकलीफ़ होती थी। और नमाज में ज़्यादा करके मेरे को नहीं होता था, 4 रकात पढ़ने के बाद बाकी नमाज तो मेरे से होती नहीं थी, कि मेरे को बैठ के ही पढ़ना पड़ता, मेरे घुटने में साउंड आता था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है मेरे रब्बिल आलमीन का कि मैं पूरी नमाजें खड़े रह के पढ़ती हूँ, है ना, अल्लाह का एहसान है मेरे परवरदिगार का। हाँ यान करके अच्छा देखो नूरी ने मौसी को भी बोल के आई। और चल आयन बुला, कैन कर दूँ अभी,
तो उसके साथ ही मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा कल का और आज का ब्लॉग साथ में हो रहा है, क्योंकि मेरे अभी ज़्यादा ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए तो चलो यहीं एंड करती हूँ। और पसंद आता तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी प्यार देते रहो और बेल बटन दबाने का मत भूलो। बेल बटन दबा दीजिए आप लोग और ऐसी लाइक करते ही रहिए, प्यार देते रहिए। और थोड़े बैड कमेंट भी आ रहे, जिससे मेरे हेटर है, दो तीन ही आए और तीन हेटर है, वही डालते रहते एक दो करके, तो इनकी मैं जवाब दूँगी। थोड़ा मैं बिजी चल रही हूँ, तो आप लोग वेट करो, आप लोग को मैं जवाब देती हूँ। ओके, और बाकी लोग ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाले, जैसे हम लोग गए थे बर्थडे पार्टी में, तो माशाल्लाह हमारे लिए कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए, तो थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, है ना। तो चलो फिर मिलती है आप लोग से, इंशाल्लाह ताला बने रहे आप लोग।